उत्तर प्रदेश के हापुड़ के औरंगाबाद के रास्ते में एक कार में युवक की हत्या कर दी गई थी। इसका पुलिस ने आज खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि पिता ने अपने पुत्र की पड़ोसी से 2 लाख रुपए देकर हत्या करवाई थी, जिसमें से 1 लाख रुपए पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि 22 जुलाई को औरंगाबाद माधापुरा रास्ते पर एक गाड़ी में सब मिला था, जिसकी शिनाख्त ऋषभ तोमर डिफेंस कॉलोनी भोपरा टीला मोड़ गाजियाबाद के रूप में हुई थी। पुलिस ने सर्विलांस के आधार पर हथियारों तक पहुंच गई। पूछताछ में पता चला कि ऋषभ के पिता कमलचंद तोमर ने बताया कि ऋषभ और उसकी पत्नी के और उसके साथ आए दिन मारपीट करता था, जिससे क्षुब्ध होकर उसने अपने पड़ोसी कमल पाल को 2 लाख का लालच दिया। ऐसे में अपने साथी प्रमोद के साथ मिलकर नियोजित तरीके से माधापुरा के जंगल में लाकर गला दबाकर हत्या कर दी और कांच से गला काट दिया। पुलिस टीम की घटना का खुलासा 24 घंटे में कर दिया। एसपी संजीव सुमन ने बताया कि अभियुक्त कमलचंद तोमर से 10,000 नकदी, कमल पाल उर्फ सन्नी कमल पाल से 60,000 और प्रमोद के कब्जे से 60,000 बरामद हुए हैं। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। घटना घटित हुई थी सिंभावली थाना क्षेत्र में। क्राइम ब्रांच की टीम और सिंभावली थाने की टीम ने मिलकर इसका बहुत ही मेहनत के साथ अनावरण किया है 24 घंटे के अंदर में। ये घटना पूरी इस तरह है कि इनके पिता हैं, जो मृतक के पिता हैं कमलचंद, ये अपने पुत्र से परेशान थे। इनका पुत्र इनके और इनकी पत्नी दोनों को मारपीट करता था। इनकी बेटी के साथ भी संबंध अच्छे नहीं थे। मारपीट झगड़ा सबसे उसका आम चीज़ थी, शराब पीना, गलत आदतों का शिकार था। इनसे तंग होकर के इन्होंने अपने पास के एक पड़ोसी को, कमल नाम के व्यक्ति, कमल उर्फ सनी, इस व्यक्ति को उन्होंने 2 लाख रुपए की सुपारी दी थी कि उसे मारा जाए। फिर सनी इसे शराब पीने के बहाने, सनी क्योंकि उसका मित्र था, वो इसे लेकर के आया वहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे इस जनपद का भी एक आदमी प्रमोद इस घटना में संलिप्त है। तो प्रमोद और सनी इनको लेकर के आए हैं जंगल में, वहाँ पे खाने पीने के बहाने से फिर शराब पिलाई गई है। इन्होंने खुद कम पिया है, उसे ज़्यादा पिलाया है। जब वो शराब में बिल्कुल ही निष्क्रिय हो गया, उसके बाद गला घोट कर और गले पे वही उसी बॉटल, जिस बॉटल से शराब पी है उसी बॉटल से के कांच से वार करके उन्होंने उसकी हत्या कर दी। उसके बाद वो सुबह सुबह वहाँ पहुँच गया, उसने अपने इस लड़के के पिता को उसने बुला करके अपनी दुकान पर सूचित किया। सनी की दुकान है, मैकेनिक है। ये पूरी घटना का अनावरण इस लाइन्स पे शुरू हुआ क्योंकि पिता जब आए थे हमारे पास, पिता और माँ, तो उनका हाव भाव जो एक सामान्य माँ बाप की तरह होता है वैसा नहीं था। उन्होंने हमसे गुजारिश भी की थी कि इसका मुकदमा दर्ज ना करके इसका सिर्फ पंचायतनामा भर के हमें दे दिया जाए। वहीं से हमारी शक केस हुई घूमी और इस पर फिर गहनता से हमारी टीम ने काम किया और विद इन 24 आवर्स हम लोग अपने गंतव्य तक थे और सभी लोगों ने कबूल किया। इसमें से 1,30,000 जो 2 लाख पैसा था उसमें से 1,30,000 हमने रिकवर भी कर लिया है 3 अभियुक्तों के पास से। रेस्ट जो अमाउंट है वो कह रहे हैं कि खर्च कर दिया गया है, उसके बारे में भी तफ्तीश जारी रहेगी। और इस रावण के लिए मैं अपनी टीम को बधाई भी देता हूँ और उन्हें इनाम का भी घोषणा करता हूँ।